उसे डराने के लिए उसके मुंह के अंदर मकड़ी डालने की कोशिश करता है, जिससे ये रोबोट बहुत डर जाती है। लेकिन विंसेंट कहता है कि इसे बंद करो और वो उस मकड़ी को वहां से हटा देते हैं। लेकिन इसके बाद थॉमसन उसके पास एक क्लाउन को भेजता है, जिससे वो रोबोट बहुत डर जाती है और वो उस पर हमला करती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। थॉमसन वहां से निकल जाता है, वो कहता है कि काम हो गया। दरअसल थॉमसन यही देखना चाहता था कि ये मशीन किसी को मार सकती है कि नहीं। विंसेंट रोबोट से कहता है कि तुमने क्या किया, वो कहती है क्लाउन था। लेकिन विंसेंट उसके चेहरे का नकाब हटाता है। रोबोट कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इंसान और क्लाउन एक ही होते हैं। वो कहती है तुम इसे ठीक कर दो। विंसेंट कहता है कि ये मर चुका है, अब ये ठीक नहीं हो सकता। इस बात से रोबोट को बहुत दुख होता है, बहुत उदास हो जाती है। विंसेंट कहता है कि आज के बाद कभी भी किसी को मत मारना। इसके बाद विंसेंट जेम्स के पास जाता है। जेम्स वही आदमी है जिसके नकली हाथ लगाए थे और अब वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में इम्प्लांट फिक्स कर दिया गया है। और जिसके दिमाग में भी इम्प्लांट लगाया जाता है वो बोलना भूल जाता है। विंसेंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस पर काम कर रहा हूं और मैं तुम्हें किसी भी तरह से यहां से बाहर निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि रोबोट ने जब से उस आदमी को मारा होता है वो किसी से कुछ बात नहीं करती, वो बिल्कुल पॉज हो गई होती है, क्योंकि वो उदास होती है। इसीलिए थॉमसन उसके पास अपनी एक सोल्जर भेजता है जिसका नाम सूरी होता है और इसके दिमाग में भी इम्प्लांट लगा हुआ है। और जब वो उसे हाथ लगाती है तो रोबोट उसका हाथ पकड़ लेती है और इसके बाद ऐसा लगता है कि रोबोट उससे बात कर रही है, जैसे वो उसे कुछ समझा रही हो। इसके बाद वो सोल्जर जिसका नाम सूरी है वहां से निकल जाती है। और अब जब विंसेंट वापस आता है तो उसे बताया जाता है कि रोबोट अपनी लैब से बाहर निकल गई और ये खतरनाक हो सकती है। वो विंसेंट को वहां पर जाने से रोकते हैं, लेकिन विंसेंट वहां पर जाता है और वो देखता है कि वो रोबोट वहां पर डांस कर रही होती है। और जब वो विंसेंट को देखती है तो उसे गले लगा लेती है। विंसेंट वहां से चला जाता है। रोबोट उसके पास आती है। विंसेंट उसे पूछता है कि तुमने मुझे गले क्यों लगाया। वो रोबोट उसे बताती है कि तुम्हारे वॉलेट में मैंने तुम्हारी बेटी की तस्वीर देखी थी, मैं जानती हूँ कि वो बीमार है और इसीलिए तुम उदास हो। ये सुनकर विंसेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंसेंट कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किसी इंसान की नकल हो, तुम जिंदा नहीं हो। इस बात पर रोबोट बोलती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि थॉमसन जिंदा है या तुम्हारी बेटी जिंदा है। विंसेंट कहता है कि वो इंसान है। रोबोट कहती है कि तुम सिर्फ उनकी बॉडी देख सकते हो, उनके विचारों को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे अंदर की फीलिंग्स को, मेरे विचारों को नहीं देख सकते। तभी यहाँ पर कमांडोज आ जाते हैं। विंसेंट उन्हें बोलता है कि सब ठीक है, ये मेरे साथ है। और इसके बाद कमांडो वहां से चले जाते हैं। और अगले दिन ये दिखाया जाता है कि थॉमसन रोबोट को एक आदमी के पास लेकर आता है और ये आदमी वही चाइनीज होता है जिसने एवा को मारा होता है। थॉमसन उस रोबोट को बोलता है कि इसे मार दो, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि विंसेंट ने मुझे किसी को भी मारने से मना किया है। थॉमसन कहता है कि अगर तुमने इसे नहीं मारा तो ये यहां से जाकर सीधा विंसेंट को मार देगा। इस बात से रोबोट डर जाती है, घबरा जाती है। वो कहती है मैं जोर से चिल्लाऊंगी, इसे डांटूंगी, ये ऐसा नहीं करेगा। थॉमसन कहता है तुम इसे नहीं रोक सकती जब तक तुम इसे मारोगी नहीं। और इसके बाद थॉमसन उस आदमी के हाथ खुलवाकर उसके आगे एक चाकू फेंक कर अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। और अब ये चाइनीज आदमी रोबोट के ऊपर हमला करता है, लेकिन रोबोट उसका हाथ तोड़ देती है। थॉमसन कहता है कि इसे मार दो। रोबोट कहती है कि इसे मारने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका हाथ तोड़ दिया है, अब ये किसी को भी मार नहीं सकता। इस बात से थॉमसन को बहुत हैरानी होती है। वो समझ जाता है कि ये बहुत समझदार है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसका कहना माने, जो भी थॉमसन कहे वही रोबोट करे, लेकिन वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। और जब विंसेंट यहां पर आता है तो वो देखता है कि रोबोट एक टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। वो उससे पूछता है क्या हुआ। वो उसे बताती है कि मुझे यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विंसेंट पूछता है कि रात को क्या हुआ था। वो उसे कुछ बताना नहीं चाहती। विंसेंट भी उसी के साथ उस टेबल के नीचे बैठ जाता है और वो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जो बाहर की दुनिया की होती है। रोबोट कहती है कि असली सनसेट में कब देखूंगी। इसका वो कोई जवाब नहीं देता और वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कल रात को क्या हुआ। वो कहती है कि मैंने एक आदमी को मारा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। दरअसल ये थॉमसन की चाल होती है जिसमें वो उस रोबोट को फंसा लेता है और उससे उस चाइनीज आदमी का कत्ल हो जाता है। रोबोट कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। यहाँ पर जो थॉमसन होता है वो रोबोट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि विंसेंट उसके अंदर कुछ चेंजेस करे। विंसेंट कहता है कि जिस तरह से हमने इस मशीन को बनाया था ये उससे बहुत ज्यादा बेहतर है और अगर हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ की तो हो सकता है कि हम इसे खो दे। और इस तरह से विंसेंट थॉमसन को मशीन के साथ छेड़छाड़ करने से रोक लेता है। अब विंसेंट रोबोट के पास जाता है। रोबोट उसे कहती है कि तुमने मुझे इसलिए बनाया ताकि तुम अपनी बेटी को ठीक कर सको। विंसेंट कहता है कि हाँ, अगर तुम जिंदा होती, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो, तुम मशीन हो। दरअसल उसका मतलब ये होता है कि अगर एवा जिंदा होती तो ऐसा हो सकता था। रोबोट कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ। अगर तुम मुझे कहते हो कि मुझ पर भरोसा करो तो मैं जिंदगी भर तुम पर भरोसा करूंगी। दरअसल यहाँ पर जो रोबोट होती है उसके अंदर फीलिंग्स होती है और इन्हीं फीलिंग्स के चलते उसे विंसेंट से प्यार हो जाता है। अब विंसेंट को कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि हॉस्पिटल में उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो हॉस्पिटल जाता है और वो उसके ब्रेन का पूरा स्कैन कर लेता है। अब यहाँ पर विंसेंट की बेटी का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाता और विंसेंट की बेटी की मृत्यु हो जाती है। इस बात से विंसेंट बहुत परेशान हो जाता है। वो वापस लैब में आता है और कंप्यूटर में ये जानने की कोशिश करता है कि कैसे वो अपनी बेटी के ब्रेन को, जो उसने स्कैन किया है, वो किसी मशीन में डाल सकता है ताकि उसकी बेटी वापस उसे मिल जाए, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तभी वहां पर रोबोट आती है और वो उससे पूछता है कि जब तुम मुझे देखती हो तब तुम क्या फील करती हो। वो कहती है इसके लिए तुम्हें मेरी आंखों में देखना पड़ेगा और वो कैमरे से उसकी आंखों में जूम करके देखता है और वो देखता है कि उसकी आंखों में कई सारी विंसेंट की फोटोज है, यानी कि उसकी
आंखों में दिमाग में कॉन्शियसनेस है और इस बात से वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कॉन्शियसनेस उन्हीं के पास होती है जिनके पास फीलिंग्स होती है, जिनके पास दिमाग होता है। वो ये सारी बातें थॉमसन को बताता है। वो कहता है मशीन से भी बढ़कर कुछ है। थॉमसन कहता है कि हमें इसकी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। हो सकता है कि ये अपनी जैसी कई मशीन्स को बना दे और पीढ़ी दर पीढ़ी मशीनें बनती चली जाएं और ये इंसानियत के लिए खतरा हो सकती है। थॉमसन उसे कहता है कि तुम्हें उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करके उसे पूरी तरह से मशीन बनाना होगा ताकि वो थॉमसन के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। लेकिन विंसेंट ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहता है कि वो जिंदा है। और इसके बाद थॉमसन विंसेंट को उसकी बेटी की दिमाग की स्कैन वाली कॉपी दिखाता है। वो कहता है मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी की ये आखिरी दिमाग की स्कैन कॉपी है और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं तुम्हें कह रहा हूं तो मैं इस फाइल को डिलीट कर दूंगा। इसके बाद विंसेंट मशीन के पास जाता है और वो उसे बताता है कि थॉमसन चाहता है कि मैं तुम्हें मशीन बना दूं क्योंकि तुम बहुत क्लेवर हो, तुम इंसानों की तरह सोचती हो और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दूंगा। ये सुनने के बाद मशीन अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है और जब विंसेंट उसके सिर को खोलता है तो वो डर जाती है। वो कहती है मैं मरना नहीं चाहती, मैं एक अच्छी इंसान बनकर दिखाऊंगी, मैं ना ही एवा हूं ना कोई और हूं, मैं हूं। विंसेंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो उसके दिमाग से उसकी कॉन्शियसनेस को निकाल देता है जिससे वो ह्यूमंस की तरह सोचती है, उनकी तरह बिहेव करती है, उसके अंदर फीलिंग्स आती है। और इसके बाद वो थॉमसन के पास जाता है और उससे अपनी बेटी के दिमाग की स्कैन कॉपी मांगता है जो उसने हॉस्पिटल से चुरा ली थी। लेकिन थॉमसन उसे देने से मना कर देता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे पकड़ लो। और अब थॉमसन ने विंसेंट को बंदी बना लिया है और रोबोटिक मशीन भी होश में आने के बाद वही कर रही होती है जो कि थॉमसन कह रहा होता है। और थॉमसन उसे ऑर्डर देता है कि विंसेंट के सिर पर गोली मार दो। वो विंसेंट के पास जाती है और गोली चलाती है लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं होती, इसीलिए विंसेंट की जान बच जाती है। तभी थॉमसन के पास उस साइंटिस्ट का कॉल आता है जो इस पूरे ऑपरेशन में विंसेंट के साथ था और वो उसे बताता है कि विंसेंट ने हमें बेवकूफ बनाया, उसने उस रोबोट यानी कि मशीन के अंदर से कोई कॉन्शियसनेस कुछ नहीं निकाला, उसने सिर्फ एक जीपीएस डिवाइस निकाला है। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो अपने सभी आदमियों को ऑर्डर देता है कि मशीन को और विंसेंट को तुम कहीं भी देखो उन्हें गोली मार देना। और इसके बाद वो कैमरा ऑन करता है और कैमरा में वो देखता है कि वहां पर मशीन होती है जो उसी को देख रही होती है और वो उसे देखकर हंसती है। इसके बाद कैमरा ऑफ हो जाता है और मशीन विंसेंट को खोल देती है। विंसेंट देखता है कि जिनके भी दिमाग के अंदर इम्प्लांट लगाए होते हैं वो सब के सब मशीन के साथ होते हैं और वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं। विंसेंट मशीन से पूछता है क्या ये आपस में बात कर सकते हैं। वो उसे बताती है कि ये हमेशा से आपस में बात कर सकते थे। विंसेंट पूछता है कि फिर इन्होंने हमें कभी बताया क्यों नहीं। मशीन कहती है क्योंकि ये एक नई दुनिया का हिस्सा है और तुम एक पुरानी दुनिया का हिस्सा। आपको याद होगा एक बार मशीन के पास एक फीमेल सोल्जर आती है और मशीन उससे बातें करती है। दरअसल वो उसे यही कहती है कि हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, बस हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और इसीलिए यहाँ पर जितने भी साइबॉक्स यानी कि जितने भी सोल्जर्स होते हैं जिनके इम्प्लांट लगे हुए हैं वो सब के सब अब मशीन के साथ रोबोट के साथ हैं और वो यहाँ पर जो दूसरे सिपाही हैं उन पर हमला कर देते हैं। और अब विंसेंट अपनी बेटी के दिमाग के स्कैन को लेने जाना चाहता है लेकिन मशीन उसे कहती है कि तुम वहां मत जाओ, तुम मारे जाओगे, मैं तुम्हारी बेटी के दिमाग के स्कैन को ले आती हूं और तुम क्वांटम कंप्यूटर को पूरी तरह से तबाह कर दो ताकि आज के बाद ये उसकी जैसे रोबोट्स को मशीन को ना बना सके और ना ही उसे कंट्रोल कर सके। यहां से विंसेंट उस जगह जाता है जहां उसे क्वांटम कंप्यूटर नष्ट करना है लेकिन वहां पर उसे एक दूसरा साइंटिस्ट रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसके नकली हाथ लगाए गए थे और जिसके हाथों में बहुत पावर है। वो उस साइंटिस्ट को मार देता है और विंसेंट क्वांटम कंप्यूटर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमसन को दिखाया जाता है, वो कंप्यूटर से उन सारे सिपाहियों को डीएक्टिवेट कर रहा होता है जिनके दिमाग में इम्प्लांट लगे हुए हैं और वो 60% सिपाहियों को डीएक्टिवेट कर लेता है। लेकिन तभी वहीं पर एक साइबोर्ग जिसके खुद के दिमाग में इम्प्लांट लगा हुआ है और वो थॉमसन की सबसे खास होती है जिसका नाम सूरी होता है और वो दिमाग से उसके कंप्यूटर का एक्सेस अपने पास ले लेती है जिससे थॉमसन बचे हुए सिपाहियों के दिमाग में लगे हुए इम्प्लांट को डीएक्टिवेट नहीं कर पाता। और थॉमसन समझ जाता है कि सूरी ने एक्सेस अपने पास ले लिया है। वो उसके पीछे जाता है और उसे गोली मार देता है और तभी वहां पर मशीन यानी कि रोबोट आ जाती है। थॉमसन उस पर कई गोलियां चलाता है लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो थॉमसन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम मुझे नहीं मारोगी। लेकिन वो उसका ऑर्डर नहीं मानती क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और जब थॉमसन ये देखता है तो वो गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है मेरी जान बख्श दो। मशीन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी लेकिन तुम्हारे साथ वही करूंगी जो तुम मेरे साथ करने वाले थे। वो उसके दिमाग में अपनी उंगलियां लगाती है और जोरदार प्रेशर देती है जिससे उसकी पूरी बॉडी लेबोटोमाइज हो जाती है यानी कि अब वो एक जिंदा लाश है। वो देख सकता है, सुन सकता है लेकिन ना वो अपने शरीर के किसी हिस्से को हिला सकता है, ना किसी से बात कर सकता है। और तभी यहां पर विंसेंट आ जाता है। वो कहता है मेरी बेटी के दिमाग का स्कैन कहां है। वो कहती है मैं इसे अपने दिमाग में सेव करके रख सकती हूं अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो। मैं जानती हूं कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। विंसेंट उसे अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और इसके बाद विंसेंट मशीन और सूरी जो कि एक साइबॉर्ग है जिसके दिमाग में इम्प्लांट लगा हुआ है ये तीनों की तीनों गाड़ी से यहां से निकल जाते हैं। और अंत में ये दिखाया जाता है कि विंसेंट अब मशीन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। उसके हाथ में एक स्क्रीन होती है जिसमें उसकी बेटी की छवि होती है और वो अपनी बेटी से उसी तरीके से बात कर सकता है जिस तरह से वो मशीन से कर सकता है। विंसेंट की बेटी बोलती है मैं गेम खेलना चाहती हूँ। विंसेंट बोलता है कौन सी। विंसेंट की बेटी बोलती है कि आपके साथ नहीं, मॉम
के साथ, और तभी वहाँ पर मशीन आती है और वो उसके हाथ से उस डिवाइस को ले लेती है। यानी कि विंसेंट, उसकी बेटी और ये मशीन अब एक अनोखा परिवार बन चुके हैं। विंसेंट अपनी बेटी के दिमाग के स्कैन के साथ एवा के दिमाग के स्कैन को इसलिए मिलाना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की दिमाग की यादें अधूरी थी, उसके तार पूरे नहीं थे, और इसीलिए वो चाहता था कि वो यहाँ पर एवा के दिमाग का इस्तेमाल करे, जो कि वो बाद में मशीन के दिमाग से करता है क्योंकि मशीन का जो पूरा दिमाग होता है वो एवा के दिमाग की कॉपी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म।